प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। कि अगर आप धर्म करो तो धर्म करके आपको भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करके परमात्मा को सामने से देना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ना मांगो तभी भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। कर्म का सिद्धांत बहुत अकाट्य और बहुत अटल है। आज जो कर्म करते हो वही आपका प्रारब्ध बनता है। इसीलिए ही तो कहा ना कि कर्म करने में सावधान रहना चाहिए। 100 बार सोच के कर्म करने वाला व्यक्ति आगे चल के दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। एक राजा ने गांव को भोजन कराने का निमंत्रण दिया। प्रजा सुखी है उस राजा के राज्य में। ढंडोरा पिटवा दिया गया कि इस पूर्णिमा को राजा की ओर से पूरे गांव वालों को भोज, बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन, अच्छे अच्छे भोजन, बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए। सारी पंगतें लग रही है, खाना बन रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, खाना परोसा जा रहा है। इतने में एक चील ने एक सर्प को पकड़ा और जैसे ही उसके मुंह को पकड़कर वो उड़ी तो उसके मुंह का जो जहर है ना सांप के, जो राजे के रसोइये थे वो जो दाल बना रहे थे उस दाल में जाके 2 बूंद गिर गया। अब ये कर्म का पोटला किसके सिर पर जाना चाहिए ये बताओ? इसमें तो किसी का दोष ही नहीं है। वो दाल राज्य के लोगों ने खाई और लोग मरने लगे तो लोगों ने राजा को कोसा कि राजा ने हमको मरवाने के लिए ही ये भोज रखा था। दूसरे कुछ अच्छे लोग भी थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम राजा को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो प्रजापालक पिता के समान पुत्रवत प्रजा का पालन करता है, वो हमें क्यों मारेगा? और मारना ही हो तो अपने आप की बदनामी क्यों करेगा? वो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और बात है। अब जब पंडित बुलाए गए, राजा ने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर ये कौन सी चीज़ थी जिससे कि इतने लोग मर गए और ये जो मरे हैं उसका पाप किसके सिर पर जाएगा? रसोइयों को बुलाया गया। रसोइयों ने बोला, महाराज हम गला काट दो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हकीकत में नहीं किया, हमारा गला काट दो महाराज, पर हम कभी भी आपके विरुद्ध नहीं जा सकते, हमने आपकी रोटी खाई है। अब वो जो कर्म था वो घूम रहा था, क्योंकि इतने लोग मरे तो हैं और राजा ने नहीं मारे ये बात भी पक्की है, रसोइयों ने बद इरादा नहीं किया वो बात भी पक्की है, चील और सर्प तो अपने स्वभाव से प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के वैरी हैं, उसके सिर पर भी नहीं गया तो कहाँ गया? कर्म का सिद्धांत बहुत ही गहन है, बहुत ही विचित्र। कई वर्षों तक वो कर्म का फल घूमता रहा अपने मालिक को ढूंढने। शास्त्र कहते हैं, भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति पाताल में भी जाकर पाप करे फिर भी उसका कर्म अपने मालिक को ढूंढता है, जैसे हजारों गायों के बीच में छोड़ा हुआ बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ऐसे ही कर्म अपने मालिक को खोजता है। करोड़ों लोग हैं पर आपने किया है तो आप ही के पास आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। अब ये कर्म घूम रहा था, किसके सिर पर जाना किसके सिर पर जाना, क्योंकि ये मरे हैं वो बात भी पक्की है, मारे नहीं गए वो बात भी पक्की है, चील और सर्प तो वैसे ही निर्दोष थे, उनके सिर पर भी नहीं जाना चाहिए, किसके सिर पर गया? कुछ वर्षों के बाद बाहर के विदेशी लोग उस राज्य में घूमने को आए। कहा जाता है कि राजा का राज्य बहुत ही बाग बगीचों से लदा हुआ, फल फूल पेड़ पौधे, बहुत ही सुंदर बगीचे थे उसके राज्य में। तो कोई सैलानी घूमते घूमते आए तो उसने कहा कि वाह, यहाँ का राजा कितना अच्छा है, प्रजा को सुखी रखता है और प्रजा की आनंद प्रमोद के लिए कितने सारे साधन उपलब्ध कराए, इतने अच्छे अच्छे बगीचे बनाना, झूले लगवाना, उसमें बाल बच्चों के लिए खेल खिलौने रखवाना,
राजा कितना अच्छा है। तो एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा कि क्या राजा अच्छा है, कोई राजा अच्छा वच्छा नहीं है, यही राजा था जिसने इतने हजार लोगों को मार डाला, 1000 लोग मर गए, इसने जब भोजन रखा ना तो उस भोजन को खा के 1000 लोग मर गए। तो उन सैलानियों ने बोला कि आपको कैसे पता कि राजा ने मारा था, क्योंकि हम तो बाहर भी राजा की बहुत अच्छा प्रचार सुनते हैं, अच्छा वो सुनते हैं। बोले वो तो पता नहीं है, वो तो सब ऐसे नाटक करना पड़ता है, बाहर अंदर अलग, बाहर अलग, बाहर तो यही दिखाना पड़ेगा ना कि मैं राजा प्रजा का पालन पुत्रवत करता हूँ, बाकी अंदर अंदर तो सब षड्यंत्र था, इतने सारे हजार लोगों को मारने का प्लानिंग था। पता है उस कर्म का क्या हुआ? वो कर्म घूम फिर कर उस बूढ़ी औरत के पास चला गया। क्यों? क्योंकि उसने जितने द्वेष पूर्वक राजा की निंदा की, ये भी कह सकती थी कि सुना है ऐसा हुआ था, पर राजा हो सकता है दोषी हो कि ना हो, पर उन्होंने विरोध करने के बावजूद भी उस निर्दोष, ये जानती थी कि राजा निर्दोष है, फिर भी उसने उसको दोषी बनाया। और वही कर्म जो आकाश मंडल में घूम रहा था, उसने अपना मालिक खोज लिया। कर्म की गति बहुत गहन है। तो हम किसी की निंदा अगर द्वेषपूर्वक करते ना, उसका भी दोष लगता है। यूं ही नहीं कहते कि राग द्वेष में समत्व रखो, निंदा स्तुति में समत्व रखो। तो हमें पता है कि कोई व्यक्ति निर्दोष है, फिर भी हम उस पर दोषारोपण करते हैं या उसे बुरा बताने की, बुरा कहने की, बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा दोष है। वो घूम फिर के हजार आदमियों का दोष, उस माई ने इतनी गलती नहीं की थी जितना उसको दोष लगना चाहिए, पर हजार आदमी मरने का पाप उस बुढ़िया के सिर पर लगा, क्योंकि राजा निर्दोष था। कितना गहन गति है सिद्धांत कर्म की, इसीलिए प्रत्येक कर्म करने के पहले 100 बार विचार करना चाहिए। प्रतिष्ठित सम्मानित और निर्दोष व्यक्ति को हम जानबूझकर अगर दोषारोपण करते हैं, दोषी है तो समझ में आता है, अगर निर्दोष है फिर भी हम उसे दोषी करार देते हैं, दोषी बनाते हैं, और इसलिए कि केवल हमारा उसके प्रति द्वेष है। तो हम किसी न किसी, बहुत सारे ऐसे कर्म हो जाते हैं इस संसार में जो बिना मालिक के होते हैं, ऐसा भी होता है, जैसे ये कर्म हुआ, इसमें कौन मालिक है पता नहीं, पर जो सबसे ज़्यादा निंदा करता है उसी के सिर पर जाती है सारी चीज़। बहुत गहन गति है, कर्म की गति बहुत विचित्र है। तो अब उसने ये कर्म जो किया ना, उसका ये प्रारब्ध बना, ये नहीं बोलती तो प्रारब्ध नहीं बनता, उसके प्रारब्ध में थोड़ी ना था। तो कभी कभी हम कर्म करके अपना प्रारब्ध बनाते हैं, हमारा प्रारब्ध नहीं होता है, फिर भी हमसे कर्म जो होते हैं वो हमारा प्रारब्ध बनाते हैं। चलो अब आप कोई ये कह देगा कि हम थोड़ी ना भगवान है जो हमसे कोई कर्म ही गलत ना हो, हाँ अगर होते हैं तो उसका प्रायश्चित भी आप ही को करना है, क्योंकि कर्म आपने ही किया है, प्रायश्चित भी ढूंढ लेना चाहिए। अगर आप किसी की गलती करते हो, अपराध करते हो, तो उसकी माफ़ी भी आप ही को लेनी पड़ेगी ना, कोई और तो नहीं लेगा। तो बहुत विचित्र और गहन गति है कर्मों की, इसलिए गीता कहती है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन कर्मण्यो अकर्मण्योश्च, कर्म को जानो, अकर्म को जानो और विकर्म को जानो। विकर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं और कर्म किसको कहते हैं? जो कर्म की इस गति को जानता है वो पुरुष सारे समस्त संसार की गति को जानता है, कैसे कर्म होता है, किसको विकर्म कहते हैं, किसको अकर्म कहते हैं, वो विद्वान पुरुष सारे समस्त संसार की गति को जानता है। इसलिए कर्म करने में सावधान होना चाहिए, और परिणाम अगर मिलता है तो प्रसन्नता से लेना चाहिए। और जब तक कि हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है, तब तक निंदा स्तुति से पर रहना चाहिए।
तो कर्म हम बनाते हैं, कर्म और प्रारब्ध दोनों अलग चीज नहीं है। जब हम कर्म करते हैं तो हमारा प्रारब्ध हम खुद बनाते हैं। तो नए नए कर्म बनाते जाते हैं, नए नए प्रारब्ध बनते जाते हैं, फिर जब प्रारब्ध भुगतने को आते तो हम परेशान होते हैं।